यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मोर, सारस, राजहंस, सांपघर, चिंपांजी, ये सब कुछ इधर मिलने वाले हैं। तेंदुआ, सिंह, बाघ, भालू, और तेंदुआ, सिंह, बाघ, भालू के लिए रास्ता इधर से जाता है। और ये तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आए हो बच्चों का और फिर से स्वागत है हमारे चैनल जिया। दोस्तों तो ये चिड़ियाघर का जो पटना का चिड़ियाघर है उसका दूसरा ये पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा ठीक है तो उसकी लिंक आपको आई बटन पे ऊपर मिल जाएगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी उसकी ठीक है। तो जाइए विजिट करके फर्स्ट पार्ट आप लोग देखिए, उसमें मैंने टिकट वगैरह का सब कुछ बता रखा है कि कितने का यहाँ का है और कैसे क्या एंट्री वगैरह में क्या क्या देखना है आप लोगों को, है ना। तो अभी बाकी चीज़ें यहाँ की दिखाने वाले हैं तो वीडियो को एंजॉय करिए आप लोग। ये सेकेंड पार्ट है, मैं पहले से बता देता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। काफ़ी अच्छी जो अच्छे अच्छे यहाँ पर जानवर वगैरह हैं वो सब के सब मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई साहब। यहाँ पे एक एरो टाइप से बनाए कि जो भी चीज़ें किधर हैं, किस साइड हैं, वो आप लोग यहाँ से जा सकते हो। लेपर्ड है ना इधर, और बाकी चीज़ें वाइट पीफॉल्स है, तो काफ़ी जो चीज़ें हैं इसके तरीके से आप पता कर सकते हो कि किधर हैं। तो चलिए चलते हैं। तो गेट से जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं तो यहाँ पे हमें भालू देखने को मिल जाते हैं। ये दो हैं, इसमें दो हैं ब्लैक कलर के भालू, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, और इनके खाने पीने के लिए चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। और इसके बगल वाले में तो कोई चीज़ मेरे को नज़र आ नहीं रही है, घास वास खड़ी है, हाँ वाकई में इसमें कोई चीज़ नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है इस पार्क में। और यहाँ पे है गेट नंबर 2, राजभवन जाने का रास्ता इधर की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मोर, सारस, राजहंस, सांपघर, चिंपांजी, ये सब कुछ इधर मिलने वाले हैं। तेंदुआ, सिंह, बाघ, भालू, और तेंदुआ, सिंह, बाघ, भालू के लिए रास्ता इधर से जाता है। और एक ये है जो यहाँ घुमाने के लिए एक छोटी सी ट्रेन टाइप से नहीं चलती है यार, मीटर गैस की जो भी बोल रहे हैं, वो अभी हमें लग रहा बंद है क्योंकि आगे से पट्टी वहाँ पे बंद हो जाती है। तो आई डोंट नो पर अभी चलती है कि नहीं चलती है, मेरे को अभी तो तक दिखी तो नहीं है, पर इधर चलते हैं, इधर देखते हैं क्या है भाई साहब, है ना। तो भाई यहाँ पे तेंदुआ, लेपर्ड है ना, देखते हैं। और इसका जीवन काल होता है 15 से 20 वर्ष, है ना। गर्भकाल होता है 90 से 105 दिन का, 2 से 3 बच्चे दे सकती है। तो आइए चलिए, इसका 4 किलो का पर डे का खाना है। तो अभी देखते हैं कहाँ पर अंदर है, दिखेगा तो दिखाते हैं आप लोगों को। तो अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ बैठा हुआ है तेंदुआ, ये देख सकते हैं आप लोग, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। और पहले तो मैं नीचे इसको खोज रहा था पर ये नीचे कहीं नहीं था। ये पता है आप लोगों को, पेड़ वगैरह पे भी ये चढ़ जाता है आराम से। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बैठा इधर ही देख रहा है भाई साहब, गजब का सीन है बिल्कुल एकदम, ये देखिए है ना। तो अभी चलते हैं आगे और भी चीज़ें दिखाते हैं आप लोगों को। चिंपांजी देखिए, इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा है, तो हिंदी में ही यहाँ पढ़ सकते हो। ये देखिए पॉज करके, और वो जा रहा है, एक ही है मेरे को लग रहा है यार, यहाँ पे दो हैं, दो हैं भाई साहब, ये देखो। और इस ये बाहर की तरफ ना निकल पाए इसके लिए, ये देखिए चारों तरफ गड्ढे टाइप से बनाया जाता है कि इसको ये कूद के बाहर आ ना जाए भाई साहब, और एकदम चिकनी बनाई जाती है। ये देखिए इनके मोमेंटम आप देख सकते हो, ये देखिए इसका मोमेंटम आप लोग देख सकते हो, है ना, कितना अच्छा है यहाँ का, तगड़ा सा एकदम नज़ारा भाई साहब। ये देखिए प्रिंट भी पीछे बना हुआ है, और ये देखिए ये चढ़ रहा है, वाओ क्या बात है भाई। और यहाँ पे आपको गिद्ध मिल जाएंगे, इस पर लिखा हुआ है देखिए गिद्ध, और गिद्ध के बारे में हिमालयन गिद्ध मिलेगा, इसके बारे में यहाँ पे लिखा है, 40 साल तक जिंदा रहते हैं। ये यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पॉज करके देखते हैं, ढूंढते हैं कहाँ पर। तो भाई साहब अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये मैं जूम किए दे रहा हूँ, ये दो है ना भाई साहब, दो हैं हिमालयन गिद्ध हैं ये। ये ऊपर की तरफ बैठे हुए आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ी सी छाया वहाँ पे लग रही है, ये देखिए। तो अभी चलते हैं आगे, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पे, वो भी दिखाते हैं आप लोगों को, है ना। तो यहाँ अभी हम लोग पहुँचे हैं भाई जंगल के राजा शेर के दरबार में, और यहाँ पर बड़े बड़े ताले जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, और इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ 21 प्रजाति का है, और 36 फीट तक छलांग सकते हैं, और क्या कहते हैं यार 10 से 12 किलोग्राम मांस खाता है पर डे। ये देख सकते हैं, और देखते हैं है कहाँ पे यार, ये दिख तो रहा नहीं मुझे अभी तक। यहाँ पे ये आराम से बैठा है, और जब उस साइड चला जाएगा तो वो वाला भी दिखाया जाएगा, क्योंकि वो उधर टहल रहा था दूसरी साइड, तो उधर इधर से जा नहीं सकते, घूम के जाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए बैठा हुआ है ना। और यहाँ की ये पार्किंग भी देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर मुझे लगता है लखनऊ से थोड़ा सा अगर कहें तो लखनऊ भी सही है यार, फिर लखनऊ के कंपेरिजन अगर इसको देखा जाए तो उतना ये सही नहीं है अभी तक मुझे लगता है। पर
हाँ ठीक ठाक तो है, पर अभी इधर भी कुछ है वो दिखाते हैं आप लोगों को क्या है। यहाँ पे आगे बोर्ड लगा हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, बाघ के बारे में आप लोग पॉज करके देख सकते हो। और ये देखो ये घूम रहा है इधर, है ना, और एक उधर भी है, ये शायद वो फीमेल होगा पर आई डोंट नो, वो उधर है उसमें। और एक ये तो घूम ही रहा आप लोगों के सामने, आप लोग देख पा रहे हो, इसके पीने वीने के लिए पानी यहाँ पे चला रखा है। और ये देखिए, वाह भाई साहब क्या बात है, लगता नहीं कि इतना यार वजन ये हो सकता है, 300 किलो तक का, और काफ़ी बड़ा है ना। वो देखिए एक वाइट कलर का उधर भी है ना। और यहाँ पर हैं दोस्तों देसी भालू, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ देसी भालू, तो ये देखिए घूम रहा है, दो हैं शायद यार यहाँ पे, ये देखिए एक ये है और इसके एक अंदर है, उस साइड से दिखाते हैं आप लोगों को, है ना। ये देखिए तीन हैं देसी भालू, तीनों के तीनों। तो चलते हैं अभी आगे, और भी चीज़ें यहाँ पे दिखाते हैं थोड़ा, उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ और दिखाते हैं आप लोगों को, शुतुरमुर्ग शायद, हाँ मुझे भी यही लगा, ये देख सकते हैं इसी का भाई अंडा होता है 2.5 किलो का। आप लोग आज मैं इतनी पास से पहली बार देख रहा हूँ, लखनऊ जू में भी गया था, इतनी पास से मैंने नहीं देखा था, पर आप लोग भी देख सकते हो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है और आप लोग पढ़ सकते हो। ये देखिए 70 किलोग्राम प्रति घंटा की रफ्तार, किलोमीटर प्रति 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये भाग सकता है भाई साहब। और इसको देखने में लगता है आप लोगों को कि ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है, ये देखना कितना बड़ा होता है यार। ये देखो सेल्फी लो भाई इसके साथ में, गर्दन इसकी देख सकते हो आप लोग कितनी लंबी होती है। ये देखो हिमालयन काला भालू, जिसके बारे में आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हो वीडियो में, है ना। और एक ये ऊपर बैठा है, ये चढ़ भी जाते हैं यार ऊपर, देखो ये है ना, ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, और थोड़ा डाउन करते हैं, हाँ अभी ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे दो हैं, ये देखिए, और एक ये ऊपर बैठा हुआ है। तो अभी चलते हैं और आगे, इसके बारे में और यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो आप लोग इसके बारे में। वो एमू को देखते हैं, क्योंकि एमू को हमने देखा था एक बार मथुरा में। ये देखिए ये होते हैं सारस की तरह, बस थोड़ा सा शुतुरमुर्ग से छोटे होते हैं। ये देखिए ये देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, एक वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, ये खड़ा हुआ देखिए धूप में है ना, और ऊपर से सर इनका काला होता है हल्का सा। ये देखिए सेल्फी, देखिए सेल्फी निकलवा रहा है भाई साहब, देखिए गजब का ये सीन है, कॉसोवरी करके कुछ है, कॉसोवरी है ना, ये क्या है चीज़, केसवरी है, केसवरी है ना। तो ये देखते हैं कौन सी चीज़ है भाई साहब, इसके अंदर क्या है, अभी तक तो मेरे को कुछ नहीं दिखा, केसवरी ये लिखा हुआ कैसोवरी कैसे, वेट ये देखते हैं कहाँ पे है भैया। ये है कैसवरी भाई दोस्तों, इसका आप लोग सर देख सकते हो कि कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर से ये इसका सर है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है ना, काफ़ी कलर हैं भाई। और इसके सर पे एक सींग जैसा है, अब पता नहीं काफ़ी ठोस लग रहा है, और ये ब्लैक कलर का है, ये देख लो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार इससे, है ना। ये देखो कैसोवरी ये है, और ये देख सकते हो आप लोग, है ना, लेडी एमहर्ट्स पीजेंट। अब ये क्या है भाई साहब, लेकिन जो भी है गजब का है, थोड़ा सा वीडियो में जूम करता हूँ, देखता हूँ आ जाए हो सकता है, पर आ नहीं पा रहा है, नाइट की वो थोड़ा सा वहाँ पे छाया है ना, काफ़ी कलरफुल ये है फिलहाल। ये हल्का हल्का आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे बैठा हुआ, काफ़ी कलरफुल ये होता है। और एक और है यहाँ पे इस साइड में, ये कलरफुल उतना नहीं है, पक्षी है और वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है। तो चलिए आगे भी चलते हैं, और भी चीज़ें यहाँ पर दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे गोल्डन पीजेंट है, जो कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और इसके अंदर जाना मना है यहाँ पे। यहाँ पे जब चल सकते हैं तो दिखाते हैं यहाँ पे गोल्डन पीजेंट, यहाँ भी ये रेड कलर का होता है, शायद दिख जाए आप लोगों को, यहाँ पे बैठा है, ये बैठा है, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा हल्का सा। और यहाँ है सिल्वर पीजेंट, यहाँ पे कोकाटिल है वाइट कलर का, ये देखिए बैठा हुआ यहाँ पे, ये बैठा है पेड़ पर, आप लोग वाइट कलर का देख सकते हो, है ना। और आगे थोड़ा चलते हैं तो यहाँ पर फिंच जेब्रा,
पिंच जेब्रा क्या होगा मेरे को आइडिया नहीं है, पर कहाँ पे दिख जाए फिर दिखाता हूँ आप लोगों को, है ना। कहाँ गया? अरे भाई ये बैठा है, आप लोग देख पा रहे हो वाइट कलर का, काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहा है ये, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें कर रहा है ना। ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा चिंगाड़ रहा है। और ये है बजरी घर, और बजरी घर में क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा यार छोटे छोटे तोते टाइप से नहीं है वो, है देखिए हर कलर, येलो वाइट ग्रीन है ना, और ब्लू कलर के भी हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें हैं। और ये भी बजरी घर है, इसमें भी येलो कलर के वाइट कलर के ग्रीन कलर के आप लोगों को दिख जाएगा छः संख्या। और ये है क्या कहते हैं स्कारलेट मकाऊ, और मकाऊ है ना करके ये देखिए बैठा हुआ है मकाऊ। मैंने इनको ऐसे ही कई फिल्मों वगैरह में शायद देखा है, जब वो कार्टून वाली फिल्में होती ना उसमें ये दिखाते हैं। और ये है स्पेस मकाऊ ग्रीन कलर का, भी काफ़ी ज़्यादा शोर कर रही है और काफ़ी कलरफुल होते हैं। मैं तो इन्हें घर ले जाना चाहूँगा यार, पर ये ले जाने को कहाँ मिलेंगे, बड़े बड़े तोते समझ लो आप देहाती भाषा में, काफ़ी बड़े बड़े वो भी कलरफुल। ये देखिए एक यहाँ पे चिपटा हुआ है, और इसके ज़्यादा ये देखिए दो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे है काला हंस, और इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग पढ़ सकते हो। इसके अंडे से बच्चे निकलने का 35 से 40 दिन का होता है टाइम। ये देखिए उसके अंदर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं पूरा का पूरा वाइट नज़ारा। ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है, और इसके लिए पानी वानी के लिए बनाया गया। ये देखिए काला सारस, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को यार। ये देखिए पानी में तैर रहा है ना। और ये देखिए एक यहाँ पे बैठा हुआ, मतलब खड़ा हुआ है, कुछ चुन रहा है खाने के लिए जो भी पड़ा होगा। ये काला है, और थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो इधर भी कुछ है यार, है ना, कछुआ है इधर। हाँ भाई साहब गजब का चीज़ है, दो कछुए मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे, दो क्यों यहाँ पे ज़्यादा हैं। एक देखिए ये तैर रहा है, एक वो है बैठा, एक वो बैठा, और एक और नीचे है वहाँ पे, दो चार हैं यार।